आदर्श नागरिक के गुणों में एक अगला गुण है मित व्ययिता। मित व्ययिता क्या अर्थ? मित व्ययिता अर्थ कम खर्च करने वाला। अब कम खर्च करने से देश के हम अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, इसका दोनों का क्या संबंध है? यदि मैं खर्च कम करूं तो आदर्श नागरिक के गुणों में से एक गुण मुझ में है, तो खर्च का से आदर्श नागरिकता से क्या ताल्लुकात है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मेरे द्वारा कम खर्च का परिणाम ये होगा कि जो देश के जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन, इनका मैं एक तरीके से कम उपयोग कर रहा हूँ, और कम उपयोग करते हुए भविष्य के लिए ये संसाधनों को रखा हूँ, भविष्य के लिए सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इन संसाधनों का जो जीवन है वो लंबा चले। नागरिकों को अपनी आर्थिक स्थिति यदि ठीक रखना है तो मितव्ययी होना बहुत जरूरी हो। अपने आय को इस प्रकार खर्च करें कि आवश्यकताएं भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी कुछ धन हो। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौड़, पैर उतना ही फैलाएं जितनी आपकी चादर हो। चादर से बाहर यदि आपका पैर रहेगा तो ठंड लगेगी, स्वाभाविक है, अनकंफर्टेबल हो गए। तो इसीलिए आप उतना ही खर्च करें जो आपके आय के अंदर हो और साथ ही आप कुछ बचा सकें, भविष्य के लिए बचाना। क्योंकि यदि आप भविष्य के लिए बचा के रखे हैं तो आप खुश हैं, खुशहाल हैं, आपका परिवार खुशहाल है, और आपकी खुशी में ही देश की खुशी निहित है। तो इस प्रकार मित व्ययिता का संबंध वहाँ के नागरिकों की खुशी से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। यदि नागरिक खुश हैं तो निश्चित रूप से वे अपने कर्तव्यों का पालन भी अच्छे तरीके से करेंगे, और यदि नागरिक खुश हैं तो निश्चित रूप से देश विकास करेगा। नागरिकों को इसलिए ये जरूरी है, आदर्श नागरिक को, या आदर्श नागरिक वही है जो कंजूस नहीं कहना चाहिए, मित व्ययिता और कंजूसी में अंतर है। खर्च करिए जहां आवश्यक है, अपनी जेब खुली रखिए जहां आवश्यक है, लेकिन व्यर्थ का खर्च ना करें। तो खर्च, आवश्यक खर्च और व्यर्थ का खर्च, ये दो अलग अलग बातें हैं। अपनी आवश्यकता पूरी करें, भविष्य के लिए धन बचाएं, संचय करें, तो आप निश्चित रूप से आदर्श नागरिक की श्रेणी में आते हैं, जहां तक इस गुण के सवाल है। अगला गुण, एक आदर्श नागरिक को कर्तव्य परायण होना चाहिए। कर्तव्य परायणता क्या है? कर्तव्य परायणता का अर्थ है कि वह अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वाहन करता है। अलग अलग समय में, उदाहरण के लिए संकट के समय में, देश में यदि सैनिक संकट आया है, युद्ध की स्थिति आ गई है, तो देश की रक्षा के लिए वो तत्पर रहेगा। सरकार का आदेश आया है कि फौज का हिस्सा बने, क्योंकि एक बड़ी फौज की जरूरत है आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए तैयार रहें। सरकार ने, जैसे मैंने बताया, कई बार दान की अपील करती है, अनुरोध करती है, तो उसके लिए तैयार करें, रहें, ये कर्तव्य हैं। इसके साथ ही कर्तव्य का अर्थ ये भी है कि शासन जो भी नियम कानून बनाता है उसका पूर्ण रूप से परिपालन करें।
दैनंदिन जीवन में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ट्रैफिक सिग्नल्स बने रहते हैं जिसमें रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है। बहुत से लोग आप देखे होंगे जो इस ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स को का के नियमों का पालन ना करते हुए यातायात व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब ये लोग कर्तव्य परायण नहीं हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। कर्तव्य परायणता की बात करें तो आप देखेंगे ट्रैफिक के अलावा, ट्रैफिक सिग्नल्स के अलावा सफाई को लेकर सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास कर रही है। उस प्रयासों में नागरिकों का, अच्छे नागरिक का, आदर्श नागरिक का एक कर्तव्य है कि सरकार के इस प्रयासों के साथ जुड़े, अर्थात किसी भी तरह की गंदगी ना वो स्वयं करे और साथ ही दूसरों को गंदगी करते हुए देखने पर आवाज उठाए, उसका विरोध करे। तो ये कर्तव्य परायणता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। ऐसे कई आदर्श नागरिक के गुणों में ऐसे बहुत से आप देखे होंगे कि बहुत से लोग वैवाहिक कार्यक्रमों आदि में बड़े सीमित तरीके से वैवाहिक कार्यक्रम निभाते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो इन कार्यक्रमों के तहत बहुत तरह का शोरगुल करता है, कई जगह सड़कों की खुदाई भी कर देता है पंडाल के लिए, कई बार वो ट्रैफिक व्यवस्था को भी बिगाड़ देता है आदि आदि। तो एक अच्छे नागरिक के नाते हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए, हमारे जो कर्तव्य हैं उसे बखूबी निभाना चाहिए। तो एक आदर्श नागरिक में कर्तव्य परायणता का गुण होना बहुत जरूरी है, कानूनों का पालन करते हुए सभी कर्तव्यों को ठीक ठाक तरीके से उसका अनुपालन करें, ये एक आदर्श नागरिक का गुण है। अगला गुण आदर्श नागरिक का निस्वार्थता, उसे निस्वार्थ होना चाहिए। स्व बाद में, मैं अंत में, पर यानी पराया दूसरा, वह सबसे महत्वपूर्ण है। आदर्श नागरिक को निस्वार्थता की भाव से प्रेरित होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के बदले सामाजिक हित, देश हित उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि धन के लालच में कई लोग राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कार्य कर बैठते हैं। एक आदर्श नागरिक जो है वह निस्वार्थ रहेगा, उसे इस तरह का लोभ उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार निस्वार्थता एक बहुत अहम गुण है, हमें निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है? निस्वार्थ का अर्थ है अपना लाभ ना सोच करके दूसरे का लाभ सोचते हुए कार्य करना, अपने लाभ के लिए कार्य ना करना, यही निस्वार्थता की भावना है। अब अगला बिंदु जागरूकता, हमें जागरूक होना चाहिए। आदर्श नागरिक हमेशा जागरूक रहता है, जागरूक यानी सजग, अलर्ट। वह स्वयं कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी गतिविधियों से दूसरों को भी कर्तव्यों के पालन में विवश करता है, ये एक जागरूक नागरिक की परिभाषा है। आदर्श नागरिक अपने आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति तो जागरूक है ही, सजग है ही, वो जानता है कि क्या गलत है क्या सही है और तदनुसार वह कदम उठाता है। उसके साथ ही साथ समाज को भी जागरूक करता है अपनी गतिविधियों से। तो बहुत आवश्यक गुण है जागरूकता,
लॉर्ड ब्राइस, उनके अनुसार आदर्श नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विशेष जागरूक होना चाहिए। यदि मैं आदर्श नागरिक की श्रेणी में आना चाहता हूँ तो मुझे जागरूक ही नहीं, विशेष रूप से जागरूक होना जरूरी है। इस बात को ख्याल रखें, विशेष जागरूकता आवश्यक है। इस गुणों की श्रृंखला में, आदर्श नागरिक के गुणों की श्रृंखला में अगला गुण है मतदान का उचित प्रयोग। देखिए, मतदान जो है वो सामान्यतया जो चुनावी प्रक्रिया है जो 3 साल बाद या 5 वर्षों बाद होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हों, नगर निगम नगर पालिका के हों, विधानसभा लोकसभा आदि के, ये जो राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक चुनाव जो हैं, इसमें एक आदर्श नागरिक का ये कर्तव्य होता, एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि अपने मतों का उपयोग वह देश हित को ध्यान में रखकर करे। अपना मत उस दल या उस व्यक्ति के पक्ष में डाले जो देश के लिए उचित है, उसके पक्ष में नहीं कि क्योंकि वह रिश्तेदार है या क्योंकि उसने कुछ पैसे का लालच दिया है या उसने कुछ मेरे लिए कुछ कार्य करने का वादा किया है या वो हमारी जाति का है या हमारी कॉलोनी का हमारे क्षेत्र का है, नहीं। इस भावना से ऊपर उठकर, इस भावना से ऊपर उठना ही निस्वार्थता कहलाता है। इससे ऊपर उठकर जो मतदान को के मत का उपयोग करता है सोच समझ कर, वही आदर्श नागरिक कहलाता है। एक बार सरकार गलत चुन ली, एक बार हमने गलत व्यक्ति चुन लिया, चाहे वो लोकसभा के लिए हो चाहे राज्यसभा के लिए हो, यानी चाहे वो सांसद हो या चाहे विधानसभा सदस्य हो, एक बार चुनने का अर्थ 5 वर्ष तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में संवैधानिक प्रक्रिया में राइट टू रिकॉल तो है नहीं, वापस बुलाने का अधिकार तो है नहीं। यदि कोई सांसद गलत कार्य कर रहे हों या अकर्मण्य हों तो हम उनको पदच्युत तो कर नहीं सकते, 5 साल तक उन्हें हमें एक तरीके से झेलना होगा, मैं ऐसी भाषा बोलूँगा। तो क्या ये उचित है? उस 5 साल में उस क्षेत्र का कितना नुकसान हो सकता है आप सोचेंगे, सोच सकते हैं, यदि सांसद या MLA या जिसको भी हमने चुना हो वह क्वालिफाइड ना हो तो। इसलिए एक आदर्श नागरिक के गुणों में एक बहुत अहम गुण है कि एक आदर्श नागरिक अपने मत के अधिकार का उपयोग बहुत सोच समझ कर करता है और उपयोग करता है। हम में से बहुत लोग चुनाव में मतदान करने नहीं जाते, बहुत से कारण बहुत से बहाने बोलते हैं, पर आदर्श नागरिक सुनिश्चित करता है कि मतदान वह अवश्य करे, और वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के और सर्वोपरि हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करे। हम अंतिम कर्तव्य, कर्तव्यों की श्रृंखला तो बहुत है, पर आपकी सुविधा के लिए इनको बिंदुवार कहा गया है। तो अंतिम जो 13वां कर्तव्य है वह है कर्तव्य क्रम का ध्यान। कर्तव्य क्रम का ध्यान से क्या तात्पर्य है? कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम दुविधा में होते हैं कि किसके हित को ध्यान में रखकर हम ये कार्य करें, किसके हित को ध्यान में रखकर एक विषय एक पर्टिकुलर कार्य करें। ऐसी स्थिति में हमें एक उचित क्रम बनाना चाहिए अपने कर्तव्यों का। एक आदर्श नागरिक को क्रमबद्ध रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। यह आवश्यक है कि परिवार के हित के लिए, गांव के हित के लिए, परिवार के हित के लिए वो अपने हित का त्याग करें, गांव के हित के लिए वो परिवार के हित का त्याग करें, जिले के हित के लिए वो गांव के हित का त्याग करें, और राष्ट्र हित के लिए वो
प्रदेश के हित का त्याग करे और जरूरत पड़ी तो विश्व हित की बात सोचे और राष्ट्र के हित का भी त्याग करे। आज विश्व जो इतना छोटा हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया है, उसमें अब ये परिकल्पना जोर पकड़ने लगी है कि अब विश्व हित को अपर मोस्ट रखा जाए, सर्वोच्च स्थान पर रखा जाए, क्योंकि विश्व का हित होगा तभी राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र का होगा तो राज्य का होगा, राज्य के बाद शहर, शहर के बाद गांव, गांव के बाद परिवार और फिर स्व। तो ये प्राथमिकताओं को एक आदर्श नागरिक हमेशा तय करके रखता है, निर्धारित करके रखता है। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उससे ज़्यादा बड़ा हित दूसरों का है। तो पहले लार्जर इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के हित में जो सर्वश्रेष्ठ कदम है वह उठाता है। तो इस प्रकार हमने देखा इन 13 बिंदुओं के माध्यम से कि आदर्श नागरिक हम किसे कह सकते हैं। आप लोग जो इस अध्याय को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी अपने को तौलें कि इनमें से कितने बिंदुओं में हम खरे उतरते हैं। ईमानदारी से आत्मविवेचन करें, ये देखें कि इन 13 बिंदुओं में से किस किस में बिंदुओं पे मैं अपने देश के प्रति निष्ठावान हूँ, मैं कितना कर्तव्य परायण हूँ, मैं कितना निस्वार्थ हूँ, कितना सामाजिक हूँ, कितना मितव्ययी हूँ, आदि आदि। और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश हम करें, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पर नागरिकता की बात तो होती है और उसके साथ अधिकारों की बात होती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक ओर जहाँ अधिकार हैं वहीं दूसरी ओर कर्तव्य हैं। आप यदि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरों के अधिकारों में हनन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए और सब अपने अपने अधिकारों का समुचित उपयोग करेंगे, इसलिए ये आवश्यक है कि हम आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें, उस दिशा में आगे बढ़ें और जो समाज में जो हम व्याप्त बुराइयां देखते हैं उन बुराइयों के प्रति जागरूकता लाएं, उनका विरोध करें उन बुराइयों का और सजग रहें।